हाई फ्रेंड्स दिस इज पूनम कश्यप वेलकम टू हिस्ट्री मे इट सिंपल तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे इस वीडियो में लाने की कोशिश की है बट इक्का दुक्का छूट ही सकता है इधर उधर तो वो हम बाद में देख लेंगे चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी यजुर्वेद अगला है ऋग्वेद के दसवें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला सूर्य अगला है कथन कारण तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कथन जो जो है है पहला है, आरंभिक आर्य जो पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके और दूसरा है राजतंत्र वैसा ही था जैसे कि जनजाति मुखिया तंत्र जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और जो दूसरा कथन है वो पहले का सही स्पष्टीकरण भी करता है तो चलिए अगला देखते हैं आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें तो पहला है आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड और तमिल संस्कृति से आए हैं और दूसरा पाक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं तो ये दोनों ही सही नहीं हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो अगला है प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और स्फूट में से सही कथन का चयन कीजिए तो इसमें जो सही है वो है ये पहला हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था ये बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा केवल एक अगला है आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए तो जो सही है इसमें वो है पहला इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था और तीसरा घो घोड़ा आर्यो का महत्वपूर्ण पशु था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अगला है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कूट में से सही उत्तर का चयन करना है हमें पहला है यह सबसे पहला वेद है दूसरा इसमें पहला और दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं और तीसरा ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कूट में से तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था और तीसरा आर्यों में शव दाह प्रथा का प्रचलन था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा दो और तीन अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यो के नाम का उल्लेख मिलता है पहला दूसरा कस्साइट तीसरा मित्तनी और चौथा उपयुक्त सभी सही आंसर होगा उपयुक्त सभी अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया था अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है कूट में से हमें वो बताना है तो जो सही है वो है पहला दास राज्य युद्ध कुरुषणी नदी के तट पर हुआ था और दूसरा इस काल में अधिकांश या फिर युद्धों का कारण जो था वो गाय होती थी तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा अगला है ऋग वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पहला है इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था दूसरा इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे और तीसरा इस काल में स्त्रियां सभा और विधत में भाग लेती थी तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही है हमें वो बताना है तो पहला है इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था और दूसरा इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है स्टेटमेंट तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा एक और दो, दोनों अगला है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पशुपति वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है ऑप्शन नंबर बी इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए और जो सुमिलित है हमें वो बताना है इसमें तो पहला है वज्रपति चारागाह का प्रधान दूसरा है कुलपा परिवार का प्रधान और ग्राम ग्रामीणी गांव का प्रधान तो ये तीनों ही बिल्कुल सही सुमिलित हैं तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा अगला है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है एक तरफ देवता है और दूसरी तरफ शक्तियां दी गई हैं तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग इंद्र का हो जाएगा वर्षा का देवता वरुण का हो जाएगा जल का देवता मारुत का हो जाएगा आंधी का देवता और सोम का हो जाएगा वनस्पति का देवता तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर टू इस काल में विष शब्द कबीले के अर्थ में प्रयुक्त होता था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा केवल दो अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए तो इसमें पहला है यह संस्कृति अहलौकिक थी और दूसरा इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अगला है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी अगला देखते हैं वैदिक कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है उसका हमें चयन करना है तो चलिए देख लेते हैं पहला है इस काल में रचे गए वैदिक सूक्तों का संग्रह संहिता कहलाता है दूसरा ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई है तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है एक तरफ संहिता है और दूसरी तरफ जो विषय का वर्णन किया गया है उसमें वो दिया गया है तो चलिए अरेंज कर लेते हैं इसे हम लोग तो पहला जो है ऋग्वेद इसका हो जाएगा देवताओं की स्तुति इसके बाद है सामवेद व्याधियों के निवारण ओके नहीं और सॉरी सामवेद में हो जाएगा गायन और यजुर्वेद में हो जाएगा रचनाएं तथा कर्मकांड और अथर्ववेद में हो जाएगा व्याधियों के निवारण तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीन चार दो एक तीन चार दो एक सही है ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही होगा वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए तो पहला है ऋग्वेद वेद की रचना 1000 से 500 सौ ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी और दूसरा है उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से हजार ईशा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी तो ये दोनों ही सही नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो अगला है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए तो पहला है इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि थी और दूसरा इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा अगला है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है कूट में से तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा इस काल में क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा केवल तीन अगला है उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें भी हमें सही आंसर ही बताना है तो पहला है राजा राजस्व यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था और दूसरा अश्वमेघ यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए इस काल में स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि सिर्फ दो नंबर ही सही है अगला देखते हैं उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है यह बताना है तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी इस काल के चारों वर्णों में समानता थी जो कि गलत है अगला है अगला वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें पहला है इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था दूसरा इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे और तीसरा पूषण इस काल में शुद्रों का देवता हो गया था तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी हमें सही उत्तर का चयन करना है तो जो सही है वो है पहला इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा अगला है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर पहला इस काल में श्याम अयस तांबे को कहा गया है चलिए अगला देखते हैं वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो इसका सही जो क्रम है वो होगा ये कुल ग्राम विष जन और राष्ट्र अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था पहला होगा युद्ध में की गई लूट और तीसरा नजराना ये जो थे ये मुख्य आय थे राजा के तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहला और तीसरा मिलित करना है इसे हमें एक तरफ शब्द है और दूसरे तरफ संबंधित अर्थ है और इसमें भी जो सुमिलित है वो बताना है हमें तो चलिए देख लेते हैं तो जो सुमेलित है वो सिर्फ ये पहला है गोमत धनवान सिर्फ और सिर्फ पहला ही सुमेलित है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वैदिक काल में दुहित्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त तो हुआ है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेटी वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे ये बिल्कुल सही है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा केवल दो अगला है उत्तर वैदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है कूट में से वो हमें बताना है तो पहला है कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई दूसरा महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी और तीसरा गोत्र की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है तो चलिए देख लेते हैं ऋग्वेद का हो जाएगा इसके पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम का विशेष रूप से उल्लेख है सामवेद का हो जाएगा संगीत सुर और धुनों से संबंधित यजुर्वेद का होगा इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख है और कुछ हिस्सा गद का है और अथर्ववेद का हो जाएगा इसमें बुराइयों बुराइयों और बीमारियों को दूर रखने के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा चार तीन दो एक अगला है निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल के ईश्वर नहीं माने जाते हैं तो जो नहीं माने जाते हैं वो है ब्रह्मा और विष्णु तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा वेदांग वेदों का अंग है इसके छह अंग हैं। इनमें से निरुक्त और कल्प किसकी अभिव्यक्ति करते हैं सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान का चलिए अगला देखते हैं प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान आयुर्विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी चरक संहिता में शल्य क्रिया के अनेक उपकरणों के साथ साथ मोतियाबिंद पथरी तथा कई अन्य रोगों का शल्योपचार बताया गया है अगला देखते हैं धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के आठ रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए तो पहला है ब्रह्म विवाह विवाह का एक रूप है जिसमें वर गाय और बैल का एक जोड़ा उपहार स्वरूप वधु के पिता को समर्पित करता है और दूसरा प्रजापत्य विवाह विवाह का एक रूप है जिसमें वधु बिना अभिभावक की स्वीकृति के स्वयं को वर को सौंप देती है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे ना तो एक और ना ही दो वैदिक काल के संदर्भ में वज्रपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वह व्यक्ति जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता था अगला है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो पहला है इसमें एक हजार से अधिक श्लोक हैं जिन्हें सुक्त कहते हैं और दूसरा इन श्लोकों की रचना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई है तो ये दोनों ही सही हैं तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एक और दो दोनों अगला है उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें तो पहला है इसमें कर्म ब्रह्म तथा आत्मा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है और तीसरा सही हो जाएगा शंकराचार्य एवं रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत उपनिषद ही है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा एक और तीन अगला देखते हैं ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए रीक वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और जो सुमिलित नहीं है हमें वो बताना है तो ये तीनों ही सुमिलित नहीं है तीनों के तीनों ही गलत हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है तो आप वो जाके देख सकते हैं अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें भी हमें वही बताना है तो जो सही है वो है पहला कुरु दो आर्य कबीलों को का, का सम्मिलित रूप था तो ये बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा केवल एक अगला देखते हैं प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा विवाह की प्रक्रिया प्रकृति मुख्य रूप से एक पत्नीक थी और समाज पित्र सत्तात्मक था तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा केवल तीन अगला है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है तो जो सही है वो है पहला व्यवसाय की अनुवांशिकता और तीसरा षड दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण तो पहला और तीसरा हमारा इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो थैंक यू सो मच मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर